नमस्कार दोस्तों, शिक्षा करियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड। इस पे जो वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट के 18 पद है, जूनियर असिस्टेंट के 57 पद है, जूनियर अकाउंटेंट के एंड स्टेनोग्राफर के आप देख सकते हैं। तो अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, अंतिम तिथि क्या है, साथ ही साथ एक संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा करियर जॉब्स भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस की PDF एंड जो डिटेल्स है, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की। एंड यहाँ पर जो है, अगर आप एडवर्टीजमेंट PDF चाहते हैं तो ये 11 जुलाई 2020 का ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट। एंड जो एक्सटेंशन का जो है, ये फर्स्ट नंबर का ही है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 24 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है, और ये जो है यहाँ पर 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। सो हम जो है अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। जी देखिए, अब यहाँ पर हम जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए, जो आयु सीमा 27 वर्ष है और जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा, बिलो मतलब 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, और यहाँ पर जो है आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपके पास होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ कंप्यूटर यूज, कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर जो विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग लैन, मतलब जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है 27 वर्ष, और यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री मांगी हुई है मैथ या स्टेटिक्स में, या कॉमर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा हुआ है। स्टैनो के लिए जो है यहाँ पे 10+2, एंड यहाँ पर जो है 80 and 30 वर्ड पर मिनट जो है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग मांगी हुई है, और यहाँ पर जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी जो है डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर जो है दिया गया है, वो भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड पोस्टिंग का प्लेस क्या रहेगा, वो नई दिल्ली रहेगा, लेकिन भारत में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू, आपका जो है रिटन एग्जाम, यहाँ पर जो है आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पर जो है आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको जो है पहले तो एडवर्टीजमेंट को अपने आप अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में जो है ये एडवर्टीजमेंट है। सो जो है आप जो है जिस भी भाषा में कंफर्ट है आपको, तो आप जो है यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जाकर जो है मैं एक यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है TCS की वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। एंड रजिस्ट्रेशन करके जो है आप जो है आवेदन फीस यहाँ पर जो है वो 1500 रुपये प्लस GST है जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि 750 प्लस GST है SC ST दिव्यांगजन OBC और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन फीस आपको पेमेंट करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप देख सकते हैं, टोटल 200 अंकों का ये आपका जो है होने वाला है। एंड ये है सीनियर असिस्टेंट के लिए एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए। टोटल जो है इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका जो है ये एग्जाम होगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट एंड स्टैनो के लिए जो 10+2 लेवल का है, इसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये भी 200 का होगा, 50-50 प्रत्येक सब्जेक्ट से, ये भी 3 घंटे का होगा, और ये ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। सो किसी भी जो है हेल्पलाइन के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर जो है
ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं जो है वेबसाइट जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वेबसाइट जो है यहाँ पर खुल जाएगी। अभी थोड़ा देखिए, अभी लोड हो रही है वेबसाइट, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, ये वेबसाइट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं। इसको क्लोज करके जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इस एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करें। पोस्ट अप्लाइड, किसके लिए जो है आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सीनियर जूनियर स्टेनो या जूनियर, और उसके बाद जो है पे मैट्रिक्स आपको यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको ओटीपी भेजा जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपको अन्य प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बारे में। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड साथ ही साथ जो है हमारा आप जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।